कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ हमारी अपनी पैथी है। इसको बढ़ावा देना सरकार की जिम्मेदारी है और समाजवादी पार्टी की सरकार इस दिशा में पूरा प्रयास कर रही है। इस मौके पर आयुर्वेद यूनानी तिब्बी बोर्ड के चुनाव में जीत हासिल करने वाले डॉक्टर अशरफ ने कहा कि वह ये बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा है कि जल्द ही सिस्टम को ऑनलाइन भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव जी ने आयुर्वेद यूनानी डॉक्टरों की बहुत पुरानी डिमांड को मानकर इनको अंग्रेजी पैथी में इलाज करने की सुविधा दिया, कानून बनाया, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उगा मार नहीं था। इसके लिए इन्होंने हमें बुलाया और दो तीन चीज़ें खास तौर से रखी गई। एक तो आज प्रस्ताव पास हुआ है कि कम से कम आयुर्वेद और यूनानी की 10 यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, यहाँ पर एक डिमांड इन्होंने रखी है और मैं इसको माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के सामने रखूँगा कि आयुर्वेद यूनानी की कम से कम 10 यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में कायम की जाए, यहाँ डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है। अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि भारतीय चिकित्सा परिषद में जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन इस दो तीन साल के पीरियड में हमें यह एहसास हुआ कि नहीं, हम बोर्ड से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करा सकते हैं। शर्त यह है कि बोर्ड में ऐसे लोग हों, सक्रिय लोग हों, जो पेपर को आगे बढ़ाएं, जिनके अंदर जो है काम करने की मुहिम हो, काम करने का जुनून हो, ताकि मैटर को आगे बढ़ाएं। तो जब तक कोई पेपर हम शासन तक पहुंचाते नहीं हैं, तब तक उस पर हमें काम करने ना, मतलब काम को होने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। क्योंकि जल्दी हमारे एक बोर्ड का जो भारतीय शिक्षा परिषद बोर्ड है, जो कि आयुर्वेद यूनानी ग्रेजुएट्स और उसके डेवलपमेंट के लिए काम करता है बोर्ड, उसका इलेक्शन हुआ था हाल ही में और एक ये बड़ा अचीवमेंट रहा। आज़ादी के बाद से इसी एसोसिएशन के लेवल पर इलेक्शन लड़ा गया और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारा ये रहा कि यूपी की जो भी सीट्स हैं उसमें 80% सीट्स को हमारी एसोसिएशन, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा ने उस पर जीत दर्ज की है। और इस जीत की वजह, इसके पिछले जो अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने एक काम किया था इक्विपमेंट का, जिसमें हमें अपनी आयुर्वेद यूनानी पैथी के साथ साथ इन इमरजेंसी जो एलोपैथिक मेडिसिन यूज करने का अधिकार दिया गया है। तो खबरों